पाकिस्तान का ईरान पर जवाबी हमला, ईरान के आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर आई। पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक पर भारत का बयान, विदेश मंत्रालय कह रहा है कि यह पाकिस्तान ईरान के बीच का मामला है, आतंकवाद के खिलाफ भारत की हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से चर्चा की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का चौथा समन, पेश होने पर संशय बरकरार। सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की हुई बैठक, रामगोपाल यादव बोले आधा रास्ता तय कर लिया आधा बाकी है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने की मोदी सरकार की तारीफ, कहा सरकार की योजनाओं का जनता को मिल रहा फायदा। आज से असम और मेघालय के दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह, असम पुलिस कमांडो की पासिंग आउट परेड में लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर एक्शन, कुपवाड़ा में आतंकियों की साजिश को सेना ने किया नाकाम। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार का बड़ा बयान, कहा नौसेना समुद्री डाकुओं से आक्रामकता के साथ निपट रही है। और आइए आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं टॉप नाइन राष्ट्रीय खबरें। भव्य राम मंदिर की नई तस्वीरें सामने आई, दीवारों पर दिखी अद्भुत कलाकृति, पूजा विधि करते हुए नजर आए पुजारी। गर्भगृह और रामलला के आसन की नई तस्वीरें सामने आई है, मंदिर के दरवाजों और स्तंभों पर दिखी हनुमान जी की आकृति। राम मंदिर पहुंची प्रभु श्री राम की मूर्ति, आज आसन पर स्थापित होंगे रामलला, इससे पहले रजत प्रतिमा की निकाली गई पालकी यात्रा, मंदिर परिसर में कराया गया भ्रमण। बाल रूप में प्रभु राम की प्रतिमा 200 किलो है, इस मूर्ति का वजन 51 इंच की होगी, मूर्ति अरुण योगीराज ने बनाई है ये प्रतिमा। अयोध्या में 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाने की तैयारी, प्राण प्रतिष्ठा के दिन जलाए जाएंगे 1,21,000 दिए। 6 जिलों से अयोध्या धाम के लिए शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, 3,500 रुपए होगा हेलीकॉप्टर सेवा का किराया, योगी सरकार ने तय किया है किराया। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम की नगरी में और बढ़ाई गई है सुरक्षा, एटीएस कमांडो को किया गया तैनात। महादेव की नगरी उज्जैन में राम नाम की धूम, महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में भक्ति गीतों पर किया गया नृत्य। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में राम नाम की गूंज, सूर्य कुंड पर किया गया लेजर शो का आयोजन। Z News.